हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज का 98वां टेस्ट करने वाले हैं। मैंने जो अपना मैराथन सीरीज है उसके साथ एक टेस्ट का भी बना रही हूँ, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपके कवर होते जाएं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली हो वो भी एक बार देख सकते हो, जिन्होंने नहीं ली हो वो भी इनको कवर कीजिए। जिन्होंने ली है वो मेरी ऑडियो से केवल सुन के भी उन क्वेश्चन को सुनते जाइएगा, तो ये आपको याद होते जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में ही टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। 10,000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है, 100 टेस्ट हैं। किस प्रकार के टेस्ट हैं ये आप देख सकते हैं। मैंने 100 टेस्ट भी करवाया है मध्य प्रदेश करंट का था, जो 99 टेस्ट जो भारत का इतिहास का था, और ये 98 टेस्ट विविध का है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान से थे और उनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछ रहे हैं इनको सम्मिलित करना है। अब आप देख सकते हैं सांची कहाँ पर है, सांची रायसेन जिले में है। गुजरी महल कहाँ पर है, गुजरी महल आपका ग्वालियर में है। ताजुल मस्जिद कहाँ है, ताजुल मस्जिद भोपाल में है। और श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष आपने सुना होगा आंध्र केंद्र है, वो आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी, वीडियो की अपडेट भी मिलता रहेगा। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो मेखला असम में होता है, कश्मीर में फैरन होता है, छत्तीसगढ़ में मुंडू नहीं होता, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन जो है, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, वो किस जिले में है, तो वो वीरभूमि में है, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है, बीआर चोपड़ा। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है, जो विदूषक होते थे वो कौन होते थे। ब्राह्मण को, जो संस्कृत कहानियाँ होती थी उनमें ब्राह्मण को विदूषक कहा जाता था। तेरह ताली नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। विभिन्न राज्य और उसके लोक प्रतिनिधित्व इस प्रकार दिए, आंध्र प्रदेश का बिहू नहीं है, असम का बिहू है। तो देखिए इसका आंसर है 2143, इसका आंसर है, मतलब आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, बुर्रा हो जाएगा। असम का क्या हो जाएगा, असम का बिहू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, नाटी हो जाएगा। और राजस्थान का क्या हो जाएगा, धूमर, घूमर जो नाटक है आपने, वो घूमर जो नृत्य है, जो राजस्थान की लेडीज इस प्रकार से घूमर पहन के डांस करती हैं, तो ये किसका है, घूमर किसका है, घूमर राजस्थान का है। नाटी कहाँ का है, नाटी हिमाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हिम में फंस कर हम नाटी हो जाते हैं, तो ऐसे हिमाचल का नाटी याद रखिएगा, राजस्थान का घूमर याद रखिएगा, असम का बिहू याद रखिएगा, और आंध्र प्रदेश का बुर्रा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य, जो कारागम लोक नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। कारागम लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है कहाँ होती है, तो ईश्वर पूजा की एक जागर पद्धति प्रचलित है और वो कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी, तो पुरी में होता है, जो कि गुजरात में आता है। काया क्या है, तो काया एक मुस्लिम पवित्र स्थल है। काया क्या है, काया एक मुस्लिम पवित्र स्थल है। फ्रेंड, जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिकों के संबंधित जो टेस्ट दिए हैं, जैसे कि इतिहास के 15 से 20 हैं, भूगोल के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के करीब 25 से 30 हैं, इस प्रकार विविध के 4 से 5 हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के हैं, पर्यावरण के हैं, विज्ञान के हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और एक बार आप, अगर आप टेस्ट सीरीज लेने के इच्छुक हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इंडेक्स पहुंचा दूंगी। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं, और फिर आप उसको टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, सिनेगॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार निर्माण से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि रोजगार निर्माण में जब प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है। तो यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो सिनेगॉग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। संस्कृत का जो प्रथम विश्वविद्यालय पीठ है सबसे पहले कहाँ बना था, वो बना था फ्रांस में। कहाँ बना था, फ्रांस में बना था। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले संदर्भ कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है जवा म्यूल हिकायात में। इस्तेमा आपने सुना होगा, जो भोपाल में लगता है। इस्तेमा एक त्यौहार होता है मुसलमानों का, तो ये मेला लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, भोपाल में। महाभारत के जो नायक थे अर्जुन, उनके पितामह कौन थे, तो जितने भी पांडव थे उनके जो पितामह थे कौरव पांडव के, वो थे विचित्र वीर्य।
अगला है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। लोसांग एक महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लोसांग जो उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल किसका है? पोंगल तमिलनाडु का है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे जुड़ा हुआ है? महाबली से। अतापू निम्नलिखित त्यौहारों में किससे संबंधित? अतापू ओणम से संबंधित है। किससे है? ओणम से। तमाशा जो संगीत नाटक है, तमाशा कहाँ का नाटक है? तमाशा महाराष्ट्र का नाटक है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? नासिक में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, प्रयाग में भी होता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ पे नहीं होता। वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? वनडे वंडर्स के लेखक हमारे क्रिकेटर सुनील गावस्कर है। गेम्स और स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बना के पूरा कवर करवा दूंगी। देखो डोमिनिक लेपियर ये बोल रहे हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो सुनील गावस्कर क्रिकेट माय स्टाइल, तो इसमें आ जाएगा हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री थी। निम्नलिखित में से द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा द ओडिसिटी ऑफ होप के लेखक हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया के कौन है? रजनी कोठारी है। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? ये बैगा का एक ट्रिक है कि बे से बैगा है और बे से वैरियर है। वैरियर एल्विन ने इसकी पुस्तक लिखी थी, बैगा नामक पुस्तक बैगा जनजाति के ऊपर लिखी थी वैरियर एल्विन ने। कौन सा उपन्यास शरद चंद्र का लिखा नहीं है? तो चरित्रहीन इनका ही द्वारा लिखा हुआ है, श्रीकांत भी और शेष प्रश्न भी। रंगभूमि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी हुई आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस किसके द्वारा लिखी है? खुशवंत सिंह के। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कामायनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? के एम पड़िक्कर। कौन है? के एम पड़िक्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, कर्जन से नेहरू तक। इंडिया फ्रॉम मतलब इंडिया कहाँ कहाँ से कर्जन से नेहरू तक किसने लिखी? दुर्गादास मेहता ने लिखी। इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? दुर्गादास। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। विक्रम मोती की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? चार्ल्स डिकेंस। बहुत जो जितने भी प्रीलिम्स अब तक एग्जाम हुए हैं, 2 से 3 प्रश्न इस प्रकार बुक्स के ऊपर आते हैं कि ये किसने लिखी है या ये जो डायलॉग है ये किसने दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? भारत की स्वतंत्रता से। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? लज्जा। क्या है? लज्जा है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। गॉड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है। किसने? अरुंधति राय। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेम से एक पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलगेर। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये घटना चक्र पुनरावलोकन और रोजगार निर्माण से लिए हैं, जिनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? वीडी सावरकर ने। भारत की खोज बहुत सरल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल। कौन है? सचिंद्र सन्याल। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? जी एन नटेसन। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। कहाँ पे? अहमदनगर फोर्ट जेल में। राष्ट्रीय भक्ति गीत है ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से जुड़े हैं? कवि इकबाल कहाँ से जुड़े हैं? पंजाब से। कवि इकबाल कहाँ से जुड़े हैं? कवि इकबाल पंजाब से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है बिपिन चंद्र। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखी है? प्रेजेंट डायरी पुस्तक लिखी है जयप्रकाश नारायण ने।
अप एसेस टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अप एसेस टू इंडिया लिखी है E.M. फॉटर ने। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं J.V. कृपलानी। अंधेरी नगरी चौपट राजा किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। सुब्रमण्यम भारती जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तमिल। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस में लिखी? गुजराती में। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में? गुजराती भाषा में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद चटर्जी। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? आनंदमठ। कौन मानी जाती है? आनंदमठ मानी जाती है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है इंडिया डिवाइडेड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कलवर के कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इंडिया डिवाइडेड अभी हमने पढ़ा है राजेंद्र प्रसाद की है, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने की, तो ये दोनों तो गलत है। फ्रीडम एट मुंडई सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई है। डीपी मिश्रा ने लिखी लिविंग इन एरा। किसने लिखी? डीपी मिश्रा ने। अगला है, निम्नलिखित में कौन से युग सही नहीं है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल सही लिखा है। दादाजी नौरोजी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी। देखो ये जो तीनों बुक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो और मेरी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, साथ में एक प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। मैंने 30 दिन के कोर्स के लिए बनाई, उसमें इसके पुराने टेस्ट भी कवर है, आप उसको ज़रूर देखिएगा पूरी की पूरी वीडियोज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। और ये तीनों बुक बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौथा जो फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू ये इन्होंने नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमोलित है? लाला लाजपत राय पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नहीं, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था तो ये गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री लिखा था। द रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफीक जकारिया ने लिखा था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था? रफीक जकारिया ने। अगला है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। याद रखिएगा गिल्टी, जो गिल्टी से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो राम मनोहर लोहिया आपको निशान लगाना है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी थी? राम मनोहर लोहिया। स्पीकिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी, पुस्तक जो जीवनी है वो किसकी है? तो स्पीकिंग जो टाइगर है वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अगला है, कौन सा सही नहीं है? वीडी सावस्कर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावस्कर सावरकर ने लिखा, अभी हमने पढ़ा। द स्पाई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ, ये स्पाई है मतलब जासूस, स्पाई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार ने ही लिखा है। S.B. चौधरी ने सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट राधा कमल मुखर्जी ने नहीं लिखा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्नेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा? रफी जकारिया ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपन को सुमेलित करना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। रन्स एंड रूइंस किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने लिखी थी। इसके बाद है, यंग इंडिया किसने लिखी? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी थी। और न्यू इंडिया किसने लिखी थी? न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखी थी। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने लिखी थी। नेक्स्ट है, गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आजकल का कैलेंडर किस पे आधारित है? ग्रिगेरियन कैलेंडर पे। किस पे? ग्रिगेरियन। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई? 1986 में। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पे है? कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जो है वो किससे जुड़ा है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था।
फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी और लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। इस प्रकार से घटनाओं का सही कालक्रम हो जाएगा। ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर। बैबिल योजना कब हुई थी? 1945 में आई थी। फिर है, निम्नलिखित में से आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है कि घटना है और ये कब किस अवसर पर हुई थी, मतलब किस डेट में ये हुई थी। तो कांग्रेस का संपूर्ण जो अधिवेशन जनवरी 26 जनवरी 1930, स्वाधीनता प्रस्ताव सही है। पूर्ण स्वराज दिवस 31 दिसंबर 1929, दांडी मार्च जुलाई 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1931। तो आपको बताना है किस डेट पे क्या क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मूलक नहीं है? मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट दी थी, नेहरू बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दी थी। जो मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने चंपारण आंदोलन लाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन एम ए जिन्ना नहीं लाए थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लाए थे। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी। भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? केरल में। सबसे पहले साम्यवादी सरकार कहाँ पर आई? केरल में आई थी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ हुई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा थी वो आरंभ हुई थी 1892 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा, मेरा जो टेस्ट था ये 98वां टेस्ट था। कुछ क्वेश्चन सुमेलित करने वाले में नहीं करवाए, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते तो आपको वहाँ मिल गए हैं, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट है मैं वीडियो के थ्रू करवा ही रही हूँ और हल करके आपको ग्रो जो पेड ग्रुप है उनमें भी भेज रही हूँ। जो भी मैं मैराथन वीडियो सीरीज़ करवा रही हूँ, टेस्ट करवा रही हूँ, वो ज़रूर देखते जाइएगा, अच्छे से सुनते जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।